छतरपुर में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान शिविर आयोजन में महाराजपुर तहसीलदार ग्राम खिरवा पहुंचे, जहां उन्होंने शासकीय माध्यमिक शाला का औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि निरीक्षण में शिक्षा का स्तर काफी निम्न मिला, बच्चों को तो ठीक, शिक्षकों को भी नहीं थी। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस की जानकारी और मध्यान्ह भोजन में भी गड़बड़ी मिली। आपको बता दें कि बच्चों ने बताया कि मेन्यू के अनुसार खाना नहीं मिलता, जहां प्रतिदिन आलू की सब्जी रोटी खाने में मिलती है। साथ ही कम बच्चों को भोजन देकर अधिक बच्चों की उपस्थिति दर्ज की जाती है। इसके साथ ही अन्य आवश्यक दस्तावेज भी प्रधानाध्यापक लखनलाल विश्वकर्मा ने उपलब्ध नहीं कराए। बच्चों को अंग्रेजी विषय की भी आधारभूत जानकारी नहीं थी, जिस पर महाराजपुर तहसीलदार सुनील वर्मा ने कड़ी नाराजगी जताते जमकर फटकार लगाई। इसके बाद जब तहसीलदार आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंचे तो आंगनवाड़ी में ताला बंद मिला और आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक एक में पदस्थ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रंजना चौबे और सहायिका संध्या तिवारी अनुपस्थित मिली। यही हाल केंद्र क्रमांक दो का भी रहा। यहां पर पदस्थ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ममता नामदेव और सहायिका सुनीता सिंह अनुपस्थित मिली। यहाँ तक की तहसीलदार महाराजपुर ने ग्राम खिरवा में आयोजित मुख्यमंत्री जनसेवा शिविर भी निरीक्षण में अनुपस्थित रही, जबकि मुख्यमंत्री जनसेवा शिविर में स्थानीय कर्मचारियों का रहना अनिवार्य है। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान चलाया जा रहा है, उसी के तहत आज ग्राम पंचायत खुरवा में मेरे द्वारा और अन्य महिला वाले कृषि अधिकारी, राजस्व निरीक्षक पटवारी, ग्राम पंचायत रोजगार सहायक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और यहाँ समस्त ग्रामवासी उपस्थित हुए। शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जो विभिन्न विभागों की विभिन्न समस्याएं हैं उनके संबंध में आवेदन पत्र प्राप्त किए गए और उसमें जिसमें आज 24 आवेदन पत्र प्राप्त हुए।